कहते हैं कुछ शादी लव होती है या फिर अरेंज होती है, या फिर लव होती है या फिर अरेंज होती है, बट ये शादी आई गेस हाफ लव है हाफ अरेंज है। क्या है इस शादी में, चलिए जानते हैं ये कास्ट से। सबसे पहले वंडरफुल ट्रेलर, एज आई टोल्ड यू अर्लियर के मैंने जिस तरह ट्रेलर देखा, सबसे पहले मैंने पीआर को मैसेज किया मुझे ये इंटरव्यू करना है, क्योंकि ये एज हो जाती है ना जो 26 से 30 तक, कब शादी कर रहे हो, क्या है अरेंज है लव है, क्या है क्या है, ये जो क्वेश्चन मार्क रेज हो जाता है। टेल अस समथिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वंडरफुल देखो, वंडरफुल शो। शादी तो नहीं हुई है अभी तक, अब वो लव होगी अरेंज, ये तो रिया ही बता सकती है। यस रिया, तो लाइक यू सेड कि वो बाय द वे कांग्रेचुलेशन, यू रिसेंटली गॉट थैंक यू मैरिड, यस सो काफी क्लोज हो जाती है सीरीज, बताइए जरा आप। नहीं तो वही जैसे आपने बोला कि वो जो 26 से 30 की एज होती है, जो आप लड़का हो लड़की हो, आप गांव में रह रहे हो शहर में रह रहे हो, आप वट एवर नो मैटर हु यू आर, सब आपके सब माँ बाप पीपल अराउंड यू रिश्तेदार सब यही सवाल पूछते हैं कि शादी कब कर रहे हो, शादी कब कर रहे यस हो, या सेटल कब होना है, सेटल नहीं होना क्या एंड ऑल दैट। तो उसी के बारे में है, उसी मतलब रिया भी उसी जो मेरा कैरेक्टर है वो भी उसी वर्ल्ड को बिलोंग करती है, एंड उसके दिमाग में खुद होता है कि मैं 30 की उम्र तक मेरी शादी हो जानी चाहिए। एंड जैसा आपने ट्रेलर में देखा और हम पहले एपिसोड में भी दिखाते हैं कि उसका एक बॉयफ्रेंड होता है जिससे वो शादी करना चाहती है और वो उससे ब्रेकअप कर देता है, एंड वहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है, क्योंकि वो गुस्से में आके वो बोलती है कि मैं करूँगी तो 30 में ही शादी, मैंने प्लान किया था तो आई विल स्टिक टू दैट, और वो उस तरह की लड़की दिखाई भी गई है। और फिर कैसे मतलब वो अलग अलग लोगों से मिलती है, उसके ऑलरेडी कुछ दोस्त हैं लाइफ में, कुछ नए लोग हैं, कुछ यू नो अरेंज मैरिज वाला जो पूरा मार्केट वाला जो एक राउंड है वो सब करती है, और फिर हाउ शी ग्रोज एज अ पर्सन एंड हर जर्नी, और उसमें मिस्टर जोगिंदर हुडा कहाँ फिट होते हैं वो भी, यस वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा हाफ लव हाफ हाफ अरेंज, अरेंज। स्ट्रीमिंग नाउ ऑन अमेज़न मिनी टीवी। सो क्या कहना चाहोगे जोगिंदर के कैरेक्टर के बारे में, एंड क्या रिस्पॉन्स आया आज सुबह से? यार सुबह से मतलब आई थिंक यू नो, जब लोग आपके शो की ओवरऑल बात करें और सिर्फ आपकी बात ना करें ना, तो आप यू शुड लाइक यू रियलाइज दैट यू हैव डन समथिंग गुड। नो बट आई वांट टू से दैट मेरे अभी तक जितने भी फ्रेंड्स ने देखा है या पीपल आई नो हु हैव वॉच्ड द शो ना, सबका मुझे यही मैसेज आ रहा है कि लिसन जोगी इज टू क्यूट यार, आई वी वांट टू सी मोर ऑफ यू एंड जोगी, लाइक यू नो व्हाट हैपेंड, हां जोगी एंड रिया, जोगी एंड रिया, एंड देन दे लाइक यू नो पीपल आर सेइंग दैट वी वर वेटिंग फॉर मोर जोगी रिया सीन्स, एंड यू नो दे वर लाइक इट्स सो, इट्स लाइक ऑल द सीन्स आर सो, ऑल जोगी रिया सीन्स आर सो गुड एंड ऑल, एंड आई वाज लाइक गाइस व्हाट अबाउट मी, मैं तुम लोग मेरे दोस्तों मेरे बारे में तो कुछ बात करो। नहीं यार मतलब इट्स फर्स्टली इट्स वंडरफुल टू बी अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट जो जिसमें आपको मज़ा आए, चाहे आप उस सीन में हो नहीं हो, आपको देखने में मज़ा आना चाहिए, एंड देन वो ना फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको आपका पार्ट अच्छा प्ले करना पड़ेगा, yes. क्योंकि एवरी वन इज डूइंग देयर जॉब। सो जोगी एज अ कैरेक्टर ही इज, मैं कई चीज़ें हैं जो बता नहीं सकता हूँ उसके बारे में, बिकॉज अगर मैं वो बता दूंगा तो वो आपका स्पॉइलर हो जाएगा, वो स्पॉइलर हो जाएगा। ये जो कह रही है ना कि जोगी और रिया के जो सीन्स लोग जब देखेंगे तो ज़्यादा क्यों मांगेंगे, वो उतने सीन्स नहीं हैं, इसलिए शायद वो क्यूरियोसिटी वो कमी महसूस होती है, एंड वो इसलिए भी है क्योंकि वो क्यूरियोसिटी बिल्ड करनी थी। जोगी एज अ कैरेक्टर इज़ वो बहुत अपने मॉम से बहुत क्लोज है, बहुत फ्रेंड्स हैं माँ और बेटे, मतलब वो ना यार की तरह बात करते हैं, बट व्हेन ही कम्स इन फ्रंट ऑफ से अ गर्ल हु ही वुड वांट टू टॉक टू, तो वो थोड़ा ना मैं नहीं कहूँगा वो नर्डी नहीं है, बट उसको कभी कभी ना कई चीज़ें पता नहीं है कि वो गेम में नहीं है, आई थिंक वो फ्लर्टिंग की गेम में नहीं है, और वो बहुत ही बुरे जोक मारता है। कभी रियल लाइफ में ऐसा फील हुआ है आपके साथ? यार रियल लाइफ में ऐसा नहीं है कि कभी नहीं हुआ, कि ऐसा नहीं होता कि जी आप कहीं भी जाके कुछ भी बोल देते हो, बट मुझे ऐसा लगता है मैंने कोशिश की एक रियल लाइफ से चीज उठाने की, कि मेरे साथ ये बहुत होता है कि जब भी मैं किसी लड़की को बहुत पसंद करता हूँ ना, या कोई लड़की मुझे पसंद आ जाती है, इनेटली ना आप कॉन्शियस हो जाते हो उनके उसके सामने, कि सडनली ना आपको होता है कि यू हैव टू बी एट योर बेस्ट बिहेवियर, यस, तो आप इनेटली बहुत सारी ऐसी चीजें करते हो जो आप एक्चुअली वैसे नहीं करते हो, एंड दैट इज व्हाट दैट्स वन ट्रेट आई पिक्ड फ्रॉम माय ओन लाइफ, कि अगर कोई लड़की पसंद आ गई है, अब वो आपको कॉफी पे लेके गई है, तो अब आपको कॉफी बुरी लगे अच्छी लगे आप तरीके ढूंढ लेते हो उसमें
कुछ अच्छा करने का. यस बट एक अपने ऐसा नहीं है कि आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता. जैसे जोगी आई फील इज अ वेरी कॉन्फिडेंट गाय बट समहाउ वो रिया के सामने ही सिर्फ थोड़ा ना फंबल मारता है. थोड़ा फंबल मारता है वो मतलब उसको ना मतलब समझ नहीं आती. ऑल्सो मे बी दैट्स बिकॉज रिया इज सच एन आउटस्पोकन कैरेक्टर. लाइक द फर्स्ट टाइम जब वो रिया का एक सीन में जो गाड़ी खराब हो जाती है ही एक्चुअली सीज हर इन हर एलिमेंट that first time. So he's not weirded out. But he's very but he doesn't know how to but he doesn't know how to like he's liking it also or not liking it or मतलब not liking तो नहीं but इसका कि इस किस पर react क्या करूँ मैं क्या करूँ इस पर कैसे react करना चाहिए. जैसे छोटी सी चीज है कि उसको number चाहिए हाँ वो बोल ही नहीं पाता तो उसको समझ ही नहीं आ रही कि तो वो phone ही ऐसे रख देता और तो दूसरा बंदा कहेगा क्या हाँ नहीं वो number हाँ वो बस एक और number ऐसा होता है और नंबर भी वो ऐसे फ्लर्ट वाला नंबर नहीं है कि यू नो हे कैन आई हैव योर नंबर. वो उसके अभी उसी की हेल्प करने के लिए कि अच्छा मैं कॉल कर देता हूँ मैकेनिक को या कुछ वैसा और उसी में उसका अच्छा वो 10 मिनट तक वो ये करता है एंड देन ही जस्ट गिव्स हर द फोन कि अच्छा निशिको तो अच्छा हां मैं ये कर देती हूं यू नो वैसा वाला. सो ही इज वन ऑफ दोस बट लाइक व्हेन यू सी हिम लाइक he has two other different avatars. एक तो बहुत कम दिखा है जो क्योंकि जिस जो actually curiosity जो हम अंदर इसमें देखने वाले हाँ मतलब इसमें भी ना you will be very curious because of that the way I think Simar has shot it and the way it was written it doesn't it'll give you that thinking कि यार कुछ तो झोल है. like he is the classic case of too good to be true. right so Karan my next question will be for you कि you have done OTT टेलीविजन टीवी ये जो तीनों अलग अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होता है हाउ डू यू सी ऑल थ्री प्लेटफॉर्म्स. यार तीनों बहुत अलग हैं अपने आई थिंक वे ऑफ वर्किंग में. yes. क्योंकि ऑडियंसेस तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि जो टीवी देखता है वो ओटीटी नहीं देखता जो ओटीटी देखता है वो फिल्म नहीं देखता. ओटीटी का सिर्फ एक बेनिफिट है कि यू कैन फिगर आउट हाउ मेनी पीपल हैव वॉच्ड योर शो देयर एंड देन नंबर वाइज आपको व्यूअरशिप पता चल जाती है. बट आई थिंक तीनों प्लेटफॉर्म्स वर्किंग पैटर्न में थोड़े अलग हैं कि क्योंकि जो चीज़ मैं टेलीविजन में आधे दिन में मुझे करने पड़ेगी वो मैं ओटीटी में शायद दो दिन ले सकता हूँ उसके लिए और फिल्मों में पाँच दिन ले सकता हूँ. लेकिन काम एक्टिंग तो सेम ही होगी. ऐसा तो है नहीं कि जैसे बहुत लोग मुझे पूछते थे कि यार आप टीवी में तो बहुत अलग करते हो ये तो आपका बहुत अलग है ये कितना नेचुरल लग रहा है. तो मैंने कहा यार वो टीवी में भी नेचुरल लगता है. नहीं मतलब जैसे मैं जैसे टीवी में क्या होता है ना अब टीवी में मैं मुड़ा अब आपने उसको स्लोमो कर दिया तो वो मैं तो नॉर्मल मुड़ा हूं मुड़ा ऐसे तो अब आपने स्लोमो कर दिया या टीवी में मैं मुड़ा और पीछे धुमता ना 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 धुमता ना 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 लगा दिया तो वो एक फील बदल जाती है. बट आई थिंक ऑल थ्री मीडियम आई फील ब्लेस्ड कि मैं क्योंकि मैं टेलीविजन से आया ना Yes. तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ना मुझे ना टीवी ने बहुत रवा कर दिया है तैयार कर दिया है. And you are back with the television. ये रिश्ता क्या कहलाता है? नहीं मैं नहीं I am not back with ये रिश्ता क्या कहलाता है यार. I am not doing ये रिश्ता क्या कहलाता है. It's one of my favorite shows because मेरे बहुत सारे दोस्तों ने किया है वो. ओके 3000 एपिसोड होने वाले हैं बाय द वे कोई 15 साल से चल रहा है लेकिन मैं नहीं कर रहा यार खबरें सच्ची है पर मैं नहीं कर रहा हूं मैं क्यों बोलूंगा यार मैं नहीं कर रहा हूं. ओके सो लास्टली मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि मैंने जैसा ट्रेलर में देखा एक दोस्त आ जाता है बीच में. हां रियल लाइफ में भी ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं जो आ जाते हैं बहुत जरूरी है. तो ये जो बेस्ट फ्रेंड जो स्कूल वाला बड़ी है जो ट्रेलर में हमने देखा है उसका किरदार थोड़ा बताइए कि क्या आपके लाइफ में भी कभी ऐसा हुआ है लव स्टोरी में यार इज माय बेस्ट फ्रेंड एंड वहां से टर्न पॉइंट हो जाता है आई एम लव से आई एम दैट गाय. Okay, so you are that guy. So, क्या उसके किरदार के बारे में? नहीं क्योंकि नहीं यार क्योंकि क्योंकि मैं actually बहुत लोगों का genuinely दोस्त हूँ. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि with time बॉम्बे में बहुत इजी है वो दोस्त बनाना. लेकिन मैं अर्फ की तरह बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ. मतलब अर्फ की तरह ही हूँ लेकिन अर्फ ने सिर्फ एक चीज जो उसमें की है वो मैं बेस्ट फ्रेंडशिप में नहीं करता हूँ. बट विच इज मतलब अच्छा ओके आई डोंट वांट टू टेल स्पॉइलर हो जाएगा हाँ स्पॉइलर हो जाएगा बट
बट अदर देन दैट आई थिंक मिस्ट्री भी तो है बट मैं आई थिंक वो बेस्ट फ्रेंड रहा हूं क्योंकि आई हैव आल्सो बीन सो लाइक सिंगल फॉर सो लॉन्ग दैट आई हैव लिटरली ग्रोन अप इन कपल्स तो मैं बीन अडॉप्टेड बाय डिफरेंट कपल्स मतलब मैं तो इतना सो एक सवाल एक और है इस करण वाइज सिंगल या वेरी मच सो आपने मैंने रहा हूं हां तो रहा हूँ इट्स लाइक कि हाँ मतलब मैं हमेशा सिंगल मैं हमेशा इतना सिंगल रहा हूँ मतलब हाँ आई बीन सिंगल फॉर सो लॉन्ग सो मेनी इयर्स ओके दैट मेरे सारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ये अलग चल रहा है इनका नहीं उन्होंने कहा मैं रहा हूँ हाँ तो मैं तो रहा हूँ इट्स मीन लाइक यार मतलब इज नॉट सिंगल एनीमोर यार मतलब मैं रहा हूँ मतलब इन द सेंस एट डिफरेंट एजेस जस्ट लाइक ही इज नॉट डूइंग ये रिश्ता कहलाता है ओके बिकॉज ऐसा तो नहीं है ना कि बंदा कोई बंदा बोलता है कि मैं आई हैव बीन सिंगल फॉर 9 इयर्स झूठ बोल रहा है जो भी बोल रहा है 9 साल तक कोई सिंगल नहीं रह सकता फिर आपको कोई मिल नहीं रहा है तो कोई भाव नहीं तो आप पे कुछ साउंड्स लाइक अ यू प्रॉब्लम यू हैव अ प्रॉब्लम सो व्हेनेवर आई हैव बीन सिंगल आई हैव आल्सो गोन ऑन डेट्स ऑन वैलेंटाइंस एंड मैं नहीं जाता हूं मेरे कपल फ्रेंड्स बुलाते हैं कि आ जा हम क्या ही बात करेंगे यार बट वो मूवमेंट कैसा हो जाता है बहुत सही मैं तभी तो बोल रहा हूँ मैं अर्फू इज इट वियर्ड मूवमेंट फॉर दैट नॉट एट ऑल आई थिंक इट्स ग्रेट बिकॉज मैं ना नारद बन सकता हूँ फिर क्योंकि मैं इसकी कहानी भी जानता हूँ और मैं इसकी भी जानता हूँ तो जो मुझे ज्यादा पैसा देगा मैं उसकी टीम में हो जाऊंगा ओके सो गाइस थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टुनाइट माय प्लान्स आर फिक्स यस थैंक यू आई एम श्योर यू विल लव द शो डेफिनेटली प्लीज हमें बताना प्लीज रिव्यू इट प्लीज टैग यू प्लीज डू एंड लाइक यू डोंट लाइक इट प्लीज बी ऑनेस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू